खबर है गोरखपुर क्लब से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ, जहां उन्होंने सेक्टर प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने क्लब में 24 मंडल के 265 सेक्टर प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक कार्य करने का आह्वान भी किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वयं योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित करके की। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच विधायकों ने सीएम का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सभा को मंच से संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को जहां एक तरफ उनका दायित्व याद दिलाते हुए 2019 में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जहर घोलने का काम किया है, तभी आज वो सत्ता से बाहर हैं। जिससे 2019 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक बार पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः इस देश का नेतृत्व देने और विश्व के सामने भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के उस सपने को साकार कर सकें, हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके ऊपर, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दलों में इस देश के अंदर राजनीति को जाति, मत, मजहब और परिवार के दायरे से उभार करके इस देश के अंदर राजनीति को मूल्यों, आदर्शों, देश की परंपरा और देश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए एक राष्ट्रवादी वैचारिक मूल्यों पर आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो वहीं अपनी नकारात्मक कृत्यों के कारण कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस और इस देश के कम्युनिस्टों ने इस देश के अंदर एक नकारात्मक वातावरण बना करके एक विध्वंसात्मक राजनीति को परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, मत और मजहब के आधार पर विभाजनकारी अपने मंसूबों के कारण ये लोग इस देश के अंदर पूरे वातावरण में जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे संबोधन में देश और प्रदेश सरकार के जहां काम गिनाए, तो वहीं हर एक कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कही। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लिया था, इस दौरान प्रदेश के अंदर संगठन सरकार के अनेक कार्यक्रमों में मुझे पूरे प्रदेश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 75 के 75 जनपदों में सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के, संगठन के अभियान को लेकर के मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और 75 जनपदों के पूरे दौरे को करने के बाद गोरखपुर का मेरा यह पहला दौरा है जिसमें मैं संगठन के साथ सेक्टर प्रवासी कार्यक्रम के साथ बैठ रहा हूँ। प्लास्टिक पर सीएम योगी ने कहा कि 15 अगस्त तक प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करा दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से 14 तरह के कैंसर की बीमारियां होती हैं, जिससे जनता पीड़ित हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने क्षेत्रों में वृहद वृक्षारोपण करने के लिए पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का आह्वान भी किया। आप देख रहे हैं CN24।